कर्नाटक में आज टीपू सुल्तान की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम पर राजनीति गर्मा गई है। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने टीपू सुल्तान की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने कार्यक्रम रद्द करने की मांग को लेकर राज्य में जगह जगह प्रदर्शन भी किए। इस बीच राज्य सरकार ने कोडागू, हुबली और धारवाड़ में धारा 144 लागू करवाने की घोषणा कर दी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी टीपू जयंती समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। कुमारस्वामी ने अपनी तबीयत का हवाला दिया है और कहा है कि डॉक्टर ने उन्हें 11 नवंबर तक आराम करने की सलाह दी है, लिहाजा वो जयंती में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री की तबीयत खराब बताई जा रही है, उनकी जगह JDS के मंत्री वेंकट राव कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल कर्नाटक की सरकार 2016 से हर साल 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है। ऐसे में वो टीपू जयंती नहीं मनाएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं फैलाएंगे तो क्या करेंगे? मगर हिंदुस्तान की जनता और कर्नाटक की जनता, कर्नाटक की बोली बाली जनता, जिसका खून बहाया था टीपू सुल्तान ने, वो लोग राहुल गांधी और उनकी पार्टी को क्षमा नहीं करेंगे। मुझे इस तरह के वक्तव्यों का आश्चर्य होता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम तो जरूर मनाएंगे। और टीपू सुल्तान की स्मृतियाँ केवल कष्ट पहुँचाने वाली हैं, उनका सेलिब्रेशन तो भारत में बिल्कुल स्वीकार है। वी सिंस फ्रॉम 15 टू 20 इयर्स वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टीपू जयंती इन आवर JDS ऑफिस, यस, एंड लॉट ऑफ बिग प्रोग्राम्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड। आई एम टेलिंग फ्रैंकली, कुमारस्वामी इवन 3 days बैक आई एम विथ हिम, ही इज टोल्ड देयर इज नो सच थिंग, ही इज giving full authority to that department and for celebration. ये स्थानीय लोगों पे छोड़ देना चाहिए, जिसकी श्रद्धा हो जो चाहे जैसे वो मनाए, पर विरोध तो नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये परंपरा कभी खत्म ना होने वाली परंपरा बन जाएगी। सरकार का काम इतिहास को भड़काना नहीं होता, इतिहास को तोड़ना नहीं होता। मध्य प्रदेश के विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनोखे अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में जिले के 5 बीजेपी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों के साथ एक चुनावी रैली भी की, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर जमकर तीर चलाए। विरोधियों को घेरने में वो फिल्मी गानों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूके। ये किसान का बेटा नहीं हट रहा, हमारी सत्ता के रास्ते का कांटा है और इसलिए उनको गुस्सा आता है। एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसा कि उनकी वजह से विरोधियों को रात में नींद नहीं आती। अपनी बात समझाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर फिल्मी गाना सुना दिया। रात रात भर जगते रहते, सपने में भी शिवराज दिखाई देता है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम तनम आपकी कसम। सीएम के इस अंदाज पर भीड़ ने जमकर ताली बजाई और पार्टी के उम्मीदवार भी लोटपोट हो गए। रैली के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी तादाद में समर्थक जुटे। बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के सामने अरुण यादव को मैदान में उतारा। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए MP कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट अरुण यादव को चुना, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर अरुण यादव का अपमान करने का आरोप लगा दिया और अरुण यादव को बुधनी से उम्मीदवार बनाने पर तंज कसा। अब अगर लड़ाना था तो बुधनी लड़ाया, ये तो कोई भी समझता है, कोई भी समझ सकता है कि क्या ऐसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए था, इससे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने ये भी ऐलान कर दिया कि वो बुधनी में इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे और केवल वोट डालने ही वहाँ जाएंगे। सर, आप बुधनी कह के आए हैं कि आप दोबारा बुधनी नहीं जाएंगे पर्चा भरने के बाद? हाँ, मैं जनता का आशीर्वाद मिलेगा, दोबारा मैं वोट डालने जाऊंगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ये भी साफ कर दिया कि उनके और अरुण यादव के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ को MP कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अरुण यादव नाराज चल रहे थे। बुधनी से टिकट देकर कांग्रेस ने अरुण यादव की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, तो अरुण यादव ने भी पार्टी के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया और शिवराज सिंह चौहान को टारगेट करते हुए उन्हें हराने का दावा कर दिया। अब हरा के आएंगे क्योंकि वक्त बदलाव का है, वो
पूरे देश में बदलाव की बयार चल रही है, मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। साथ ही अरुण यादव ने नर्मदा में इलीगल माइनिंग का मुद्दा भी उठाया और स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया। माँ नर्मदा ने मुझे इसलिए बुलाया है कि माँ नर्मदा चाहती कि किस तरह से उसके साथ तो जो जाति की है इस परिवार ने, उसका हिसाब किताब माँ नर्मदा मांग रही है। अरुण यादव ने मध्य प्रदेश में किसानों के सुसाइड के मुद्दे पर भी शिवराज सिंह चौहान को घेरा और शिवराज सिंह चौहान की नीतियों पर सवाल खड़े किए। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी और युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर अरुण यादव को बुधनी से टिकट दिया है। अरुण यादव एमपी के डिप्टी सीएम रहे, सुभाष यादव के बेटे हैं और मध्य प्रदेश के खंडवा से दो बार एमपी भी रह चुके हैं। 2009 से 2011 तक मनमोहन सरकार में अरुण यादव को कैबिनेट में भी जगह दी गई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण यादव बीजेपी के नंद कुमार चौहान से हार गए। 1 मई 2018 तक वो एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, जिसके बाद एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कमलनाथ को दे दिया गया। लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में घमासान बढ़ गया। टिकट न मिलने से नाराज नेता खुलकर अपना विरोध जता रहे और ऐसा ही विरोध दिग्विजय सिंह को भी झेलना पड़ा जब विदिशा से टिकट की उम्मीद लगाए महेंद्र वर्मा नाम के एक नेता ने उनके सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अभी ढेर लगा दी, गोली बिस्किट की तरह बांट रहे हैं आप सबको, लेकिन गरीब के धन्य है। इस बीच कई और कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच घिरे दिग्विजय सिंह ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। और एक बात बताओ, इधर मुंह करके बोल। लेकिन टिकट न मिलने पर नाराज कांग्रेस नेता ने अपना विरोध जारी रखा। न्याय करिए ना, सही टिकट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही टिकट नहीं दिएगा। हालांकि काफी देर तक उन्हें समझाने के बाद जब सामने खड़े लोगों ने भी विरोध करना शुरू किया तो दिग्विजय सिंह को गुस्सा आ गया। दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। शुक्रवार को भी दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद गंभीर बनी रही। IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के 2100 से ज्यादा मामले सामने आए, जो इस साल सबसे ज्यादा है। हालांकि दिल्ली में ट्रकों पर लगी रोक की वजह से कुछ सुधार जरूर रहा, फिर भी दिल्ली में हवा की स्थिति गंभीर बनी रही। दिक्कत तो सभी तरह की दिक्कत आ रही है, सांस लेने में तो मेन जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, अदरवाइज काफ़ी तरह की लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे कि सुबह हम मॉर्निंग वॉक करते थे बिल्कुल नॉर्मल वे में करते थे, अभी सांस चढ़ जाता है बिल्कुल, और AQI लेवल तो काफ़ी एकदम राइज कर रहा है, आज भी 400 के आसपास। सांस लेने में प्रॉब्लम है, मतलब अगर जैसे रनिंग कर रहे एकदम से सांस लेके तो गले में जलन सी होगी आपको। तो 1 साल हो गया हमें, पहले नहीं थी, मतलब हम लास्ट टाइम भी आए थे, लाइक पिछले साल भी आए थे हम न्यू ईयर के अराउंड, तब इतनी दिक्कत नहीं थी, मतलब ज़्यादा है। एक तो गले में खराश होती है और सुबह कोलगेट करते हैं तो कालापन निकलता है और जो प्रॉपर सांस है वो नहीं आ पाता, बड़ी दिक्कत होती है, आँखों में जलन हो रही है और सुबह के टाइम तो बहुत ही होता है। NCR की अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोधी रोड में और फिलहाल अगर आपको यहाँ दिखाएं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, अभी आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो बोर्ड है उसमें PM2.5 जो है वो 399 यानी कि अति निम्न कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी में फिलहाल बना हुआ है, और PM10 की अगर बात करें तो वो भी निम्न कैटेगरी में फिलहाल बना हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दिवाली के बाद से अब तक अगर बात करें तो अब कल की तुलना में आज AQI इंडेक्स जो है ओवरऑल दिल्ली का वो 444 पर बना हुआ है, जो कि कल की तुलना में बेहतर ज़रूर है लेकिन अभी भी सीवियर कैटेगरी यानी कि हानिकारक स्थिति पर बना हुआ है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली का जो प्रदूषण था उसके साथ साथ अब आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर जो पराली जलाई जा रही है उसका फर्क भी दिल्ली के वायु पर पड़ने वाला है। ऐसे में आने वाले कुछ और दिन इसी तरीके से सीवियर कंडीशन रह सकती है। अगर हम बात करें दिल्ली के बाकी इलाकों की तो आज सुबह ज़्यादातर इलाकों में जो अति निम्न कैटेगरी है, जो बेहद ख़राब कैटेगरी है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है लेकिन ये दिल अब काला पड़ता जा रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों के फेफड़ों में जहर घुलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में दिल्ली के लोग 22 से ज्यादा सिगरेट हवा के जरिए पी लेते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मयूर विहार एक्सटेंशन के इस फ्लाईओवर पर, जहाँ की विजिबिलिटी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्मोग कितना होगा। यहाँ की अगर मैं प्रदूषण लेवल की बात करूँ तो AQI इंडेक्स जो है वो 400 को पार कर गया है, जो कि काफी सीवियर की कैटेगरी में आता है।
डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने, मास्क न पहनने पर आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच आम आदमी परेशान है, तो वहीं सरकार कहीं ना कहीं सोती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ मोहित सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। रामदास आठवले ने कहा, सत्ता रहने तक बीजेपी के साथ हूं। मुंबई के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बयान दिया कि बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी तब तक साथ रहूंगा, तक सरकार है तब तक मैं यहां रहूंगा। यूपी के मिर्जापुर में एक लड़की ने गांव के ही 5 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पुणे में आग लगने से कार पूरी तरह जल गई। यूपी के बरेली में अनुसूचित जाति की एक महिला के रेप की कोशिश और विरोध करने पर महिला और उसके परिवार वालों पर तेजाब फेंकने के आरोप में पुलिस ने दरोगा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के आरा में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के झांसी में एक ट्रांसफार्मर में लगी आग ने 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों के नुकसान का दावा किया गया।